एक बार सबने मिलके सोचा कि ये कोई ना कोई सेवा कर लेते हैं। तो लक्ष्मण ने, भरत ने, शत्रुघ्न ने और जितने भी सब थे, अंगद, नल, नीले, वो सब सबने सोचा कि हनुमान जी जो जो सेवा करते अपन सब एक दिन लिस्ट बनाते हैं और अपना अपना डिपार्टमेंट बांट लेते हैं। चलो राम जी के कपड़े कौन धोएगा, भरत बोले ये मेरा काम है, रथ में कौन बिठाएगा, बोले ये बिठाएगा। ऐसे करके जितने भी सुबह से लेकर शाम तक जो जो सेवाएं थी, भोजन परोसने की सेवा, सफाई की सेवा और जितना भी कपड़े को रखने की सेवा, जूते पहनाने की सेवा, कंघी देने की सेवा, मुकुट देने की सेवाएं, जितने छोटे मोटे सेवाएं जो भी होती सबकी लिस्ट बन गई। अब हनुमान जी जो भी करने जाएं तो वो आगे आ जाए, बोले ये तो मेरा सेवा है। जूता पहनाने जाएं तो भरत शत्रुघ्न बोले ये तो मैंने लिया, ये सेवा मेरी। अच्छा, और भोजन के बाद वो मुखवास देना होता है तो वो बोले कि अंगद बोले ये तो मेरा सेवा। अब जिस काम में हाथ डाले तो उसमें कोई ना कोई आ जाए, बोले ये तो मेरा। आखिर क्या करे, हनुमान जी तो कुशाग्र बुद्धि के, और उनकी बुद्धि को कौन कैसे पहुंच सकता है। उन्होंने देखा कि ये राम जी को जब जम्हाई आती है उस समय चुटकी बजाने की सेवा किसी ने नहीं लिया, और जो राम जी को चुटकी बजा, अब तो मौज ही मौज है। दिन भर दर्शन करो सरकार के और इंतजार करो कि कब वो जम्हाई लेते हैं और अपन चुटकी बजाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी सेवा मिल गई, ये तो सेवा किसी को ध्यान में ही नहीं आई। लेकिन अब रात में जब शयन कक्ष में, तो हनुमान जी की भी तो नो एंट्री हो जाती है। हनुमान जी ने बोला अरे ये सेवा तो और ये जम्हाई तो रात में भी सोने से पहले आती है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि सरकार को कब जम्हाई आई। तो अपना बाहर बैठ के वो चुटकी बजाने लगे निरंतर, बंद ही ना करे, बोले न जाने कब जम्हाई आ जाए तो मेरी सेवा न छूट जाए। और इधर सीता जी के साथ राम जी जब सोने की तैयारी कर रहे थे, जम्हाई आई, हाँ मुंह खुला का खुला रह गया। सीता जी परेशान, प्रभु आपको हो क्या गया, अब मुंह बंद हो तो जवाब देवे। प्रभु क्या हो गया आपको, जवाब ही न दे। लक्ष्मण को बुलाया, भरत को बुलाया, शत्रुघ्न को बुलाया, वशिष्ठ को बुलाया, कौशल्या आ गई, सुमित्रा आ गई, और भी अरे हकीम को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, वो भी आ गए। वो सब परीक्षण करने लगे कि प्रभु का मुंह क्यों नहीं बंद हो रहा। अरे बोले सब तो आ गए, हनुमान जी कहाँ हैं। तो हनुमान जी तो ऊपर छत पे अपनी सेवा में तल्लीन थे। अरे ढूंढा इधर उधर, मिले नहीं। अरे हनुमान जी महाराज जहां भी आ जाए, जय बजरंग बली की, हनुमंत महाराज की, हनुमंत लाल जी की जय हो, जहां भी हो पधारो, ऐसा आवाज नीचे से हुआ। तो वो तो छत पे ही थे, जय श्री राम, ऊपर से आके जंप मार के नीचे आया। ओ चुटकी ऊपर से नीचे आने में दो पल के लिए बंद हो गई, और इधर हनुमान जी का, राम जी का मुंह सेट हो गया। प्रभु हुआ क्या था, बोले कि देखो हमारे सेवक ने चुटकी बजाने की सेवा ली थी और वो चालू थी, तो जब तक चुटकी चालू है तब तक मेरा मुंह बंद कैसे हो सकता है। तो मुंह भी खुला रहा, चुटकी खुल चालू रही तो मुंह भी खुला रहा। ऐसे हनुमान जी का बड़ा विलक्षण प्रभाव और तेज।
और तुलसीदास जी ने तो कहा है कि भगवान का जो नाम है ना वो राम से भी बड़ा। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुन गाई। के भगवान के नाम की महिमा का मैं कहां तक बयान करूं कि भगवान राम भी स्वयं अगर धरती पे आ जाएं तो भी वे पूरा अपना नाम का बयान नहीं कर सकते, इतना बड़ा भगवान का नाम, इतना महिमा वाला।